सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 4 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेक्चर 3 तक हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था कि मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कैसे निकाला जाएगा। और मैं एक थोड़ा सा एक रिकॉल करता हूँ आपके लिए, उसमें बात किया था कि जब मीन निकालते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि सिग्मा जो एफ एक्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट करता है किसको, जो जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन सभी का सम, क्योंकि एफ है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वो ऑब्जर्वेशंस कितनी बार रिपीट हुआ, तो वहाँ पर वही टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलता है। और दूसरा आता है सिग्मा एफ से जब डिवाइड करते हैं इसका मतलब होता है, क्योंकि सिग्मा एफ प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। तो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज हो गया, राइट। नाउ अब हम जो बात करने वाले हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास फिर अगेन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, अगर मैं इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करूँगा तो ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोच सकते हैं कि सर ये एक्स है और ये एफ है तो हम एफ एक्स निकाल लें, राइट, और सीधा फॉर्मूले में अप्लाई कर दें। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि इट्स वेरी इजी, क्योंकि दे कैन मल्टीप्लाई और फिर हम ऐड भी कर देंगे और सिग्मा एफ की भी वैल्यू निकल जाएगी और फिर हम सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, बट मैं यहाँ पर एक मेथड नया बनाने जा रहा हूँ कि क्या मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, क्या हम इस प्रोडक्ट को, इस मल्टीप्लीकेशन को क्या और ज़्यादा ईजी कर सकते हैं। वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर वीडियो का, जो ये सेशन है हम वहाँ पर यही मेथड सीखने वाले हैं। अब आ जाते हैं जो हम बात करते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्टली एफ एक्स ना निकालें, जब आपको लग रहा हो कि एक्स जो डेटा है जो आपके पास, या हम नंबर ऑफ एक्स फॉर्म जो ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं आपके अकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना है, इन सभी टर्म्स में से एक मिड वैल्यू एज्यूम कर लीजिए आप। अब मिड वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आपको मिड में ही सिलेक्ट करना है, यू कैन टेक एनी वैल्यू विच इज़ यू आर थिंकिंग कि वो उनके बीच में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने को अगर मैं देखूँ तो मुझे 72 एक ऐसा नंबर लग रहा है कि जो ठीक है, जो ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है, सभी जगह के साथ मैचिंग कर सकता है। तो इसको बोला जाता है कि मैंने इसको सपोज कर लिया है कि ये एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। अब जब एज्यूम मीन किया है तो हमारा जो नेक्स्ट टेबल बनेगा उसका टेबल का नाम रख देते हैं, उसका टेबल का नाम है डी आई। आई जो हम यूज़ कर लेते हैं वो कभी कभी इसलिए यूज़ करते हैं कि आई का मतलब है कि जब सिग्मा में हम बात करते हैं एफ आई एक्स आई, तो आई का मतलब है कि मैं 1 to n ले रहा हूँ, तो मतलब जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके लिए ये प्रेजेंट कर देता है। तो इससे घबराना नहीं है, कुछ बुक्स में आई नहीं दिया होता और कुछ बुक्स में दिया होता है, तो ऐसा उसमें कुछ बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, ठीक है। अब मैंने उस डी आई को समझा, क्योंकि डी आई मेरे लिए नई टेबल है, इसको डेविएशन भी बोल सकते हैं कि डेविएशन मेथड भी है कहीं ना कहीं। डेविएशन मेथड में हम थोड़ा सा और आगे की बात करेंगे, बट यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि मुझे इस टेबल को हटाना है, इस टेबल को हटाना है मतलब मैं ये वाली टेबल नहीं यूज़ करना चाहता, तो मैं क्या करूँ। तो डी आई का मतलब होता है कि एक्स माइनस ए, अब समझिएगा एक्स में से ए को माइनस किया गया। अब ए क्या सपोज किया हमने, ए मीन्स है एज्यूम मीन। अब मैं क्या करूँगा, हर एक नंबर में से, ध्यान रखिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि 67 में से 72 माइनस करिए, 70 में से 72 माइनस करिए, 72 में से 72 माइनस करिए, 73 में से 72 माइनस करिए, 75 में से 72 माइनस करिए, क्योंकि x की जगह आप सारी वैल्यूज पुट करोगे और a की जगह पर आप क्या पुट करोगे, 72, करेक्ट। अब जैसे ही आप 67 में से 72 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा -5। ध्यान रखिएगा ये माइनस ये कर रहे हैं, ये माइनस ये करेंगे -2, ये माइनस ये करेंगे तो ये सॉरी 0 एंड दिस वन विल बी 1 एंड दिस वन विल बी 3, राइट। अब देखिए कितना इजी हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस केस में कि अगर मैं एफ आई डी आई निकाल दूँ, अब आप समझ लीजिएगा मैंने इस पार्ट को भूल गया मैं, अब मुझे एफ आई एक्स आई से कोई लेना देना नहीं है, मैंने एक्स आई को एक नया फॉर्म दे दिया। एक्स आई को नया फॉर्म देने का मतलब हुआ कि अब मैं एफ आई और डी आई वाली टेबल के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो 4 5 -20, 3 2 -6, 2 0 0, 2 1 2 एंड 3 1 3, क्लियर। यहाँ तक कोई स्टेप में प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मुझे क्या क्या करना है।
मुझे सबसे पहले निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई। समझ लीजिएगा, सिग्मा का मतलब है कि सिग्मा एफ आई डी आई में जितने भी नंबर्स हैं, सिग्मा कह रहा है कि इन सबको ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये -26 देता है और ये देता है 5, तो टोटल कितना हो जाता है -21, करेक्ट। इसके बाद आपको ध्यान रखिएगा, सिग्मा एफ आई हर जगह काम करेगा, सिग्मा एफ आई तो चाहिए ही चाहिए हर एक फॉर्मूले में। तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11 एंड 12, मुझे यहाँ से सिग्मा एफ आई भी मिल गया, मतलब नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो हमारे पास कितनी आती है, 12 हो जाती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है। अब मीन का फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आया कि आपने क्या लिया, आपने एक एक्स्ट्रा ऐसा टर्म ऐड किया है इसके अंदर ए, जो आपने इंक्लूड किया है, तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कैसा फॉर्मूला बन गया। आप समझिएगा, इस फॉर्मूले को मैं पुराने वाले फॉर्मूले से कंपेयर करता हूँ, और पुराने वाला फॉर्मूला क्या था, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब क्या कि वहां पर हमने एक्स को रखा था, तो एफ आई और एक्स आई कर रहे थे, तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी अपनी तरफ से एडिशन नहीं किया था, तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया। बट हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स को एलिमिनेट किया है बाय द हेल्प ऑफ ए, तो इसका मतलब है ए को मुझे प्लस करना है, और सेम फॉर्मूला यही है। देखिए एफ आई एक्स आई की जगह अब क्या आ गया, डी आई आ गया, क्योंकि डी आई यहाँ पर अब एक्स आई का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं, जो एक्स आई का जब निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो एज्यूम मीन क्या था आपका, 72 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आपका -21 आता है, और सिग्मा एफ आई आता है 12। देखिए कितना ईजी हो जाता है। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आता है आपके हिसाब से, वो आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। 12 वन जा 12, माइनस में आएगी वैल्यू, ध्यान रखिएगा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर सही कर देता हूँ। 12 वन जा 12, 9 बच जाता है, राइट, 1.7, राइट, एंड 5 भी ले लेता हूँ, तो 72 में से मैं 1.75 जब माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाता है 70.25, तो मेरा आंसर आता है ये। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है कि आप अपने इस एक्स आई की जो टेबल है इसको आप थोड़ा छोटा कर सकते हो। कैसे, एज्यूम मीन सपोज करके। यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि यहाँ पर ज़रूरत कम थी, बट ये वैल्यू जब 100, 800, 700 की फॉर्म में आती हैं तब इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है, राइट। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ द